रविवार को शहर में जिले भर के बजरंगी इकट्ठे हुए, जहां सौर्य दिवस मनाया गया, जिसके चलते शहर भर में बजरंग दल का पथ संचलन भी निकाला गया। बजरंग दल का पथ संचलन को देखते हुए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। रविवार को एक निजी गार्डन में बजरंग दल का शौर्य दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, जहां जिले भर के बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में बजरंग दल के विभाग संगठन मंत्री खगेंद्र सिंह ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज कमजोर नहीं है, अब हम बहुत ज़्यादा हैं। भारत देश बहुत शक्तिशाली देश है और अब गद्दारों को बख्शा भी नहीं जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने विभाग के अनुशासन में रहने की भी बात कही। कार्यक्रम के बाद शहर के मुख्य मार्गों पर बजरंग दल का पथ संचलन भी निकाला गया, जो बरेट रोड, स्टेशन रोड, मिल रोड से होता हुआ सिरौन चौराहा पहुंचा, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया। चल समारोह में जय श्री राम के नारे रास्ते भर लगते रहे। डीजे की धुन पर बजरंग दल के युवा थिरकते नजर आए। कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। यहां खेत में आग लगी है, कौन सा गाँव, कैसे लगी, क्या है पूरा मामला? ये विदिशा तहसील का डाबर के अंतर्गत करिया खेड़ी में आग लगी थी। अचानक आग लगी है और ये बगल में मेरे भतीजे राजेश का खेत है। इसमें जैसे ही आग लगी तो हम पूरे गांव के डाबर के सभी आसपास मंदन घड़ी, धारू घड़ी, रसल्ला के लोग यहां पर आए ट्रैक्टर ले लेके, मगर कंट्रोल नहीं हुई। उस टाइम हवा चल रही थी, मैंने कई बार 100 डायल किया मगर उन्होंने नहीं उठाए। उनको निलंबित करना चाहिए। मैं पुलिस और कलेक्टर से और मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ ऐसे ही लोगों को सर्विस से निकाल बाहर कर देना चाहिए। अब इसके बाद मैंने SDM को फ़ोन किया, उन्हें तुरंत कार्रवाई करके उन्हें फायर ब्रिगेड भेजी, मगर इससे हमारा किसान तो परेशान हो गया, नुकसान तो हुआ है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, 100 डायल किए, उसको साले को निलंबित करना चाहिए नौकरी से, ये मेरी मांग है। कितना नुकसान हुआ है लगभग? इसमें करीबन 5 लाख का नुकसान हुआ है यहाँ राजेश का, और बगल में भतीजा कैलाश है उसका भी करीबन 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है। 2 खेतों में आग लगी। पटवारी का नंबर 4 है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।